चलो दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं क्राउलर क्रेन के बारे में। उसके पहले आपको एक बात बोलना चाहता हूं, क्यों भरोसा करता है गैरों पर जब चलना है तुझे अपने पैरों पर। दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल लीडरशिप टीम में। आज की वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा कि क्राउलर क्रेन का जब यूज केस होता है इंडस्ट्री के अंदर, तो हमें क्या क्या चेक करना चाहिए, राइट? अगर आप सेफ्टी सुपरवाइजर हो, आप सेफ्टी ऑफिसर हो, आप साइट पे विजिट कर रहे हो, ऑडिट कर रहे हो, आपके वर्क साइट पे क्राउलर क्रेन है, तो आपको समझना होगा उसकी फंक्शनैलिटी क्या होती है। एक इंडस्ट्री के अंदर जब भी क्राउलर क्रेन का यूज होता है तो हमें क्या क्या चेक करना चाहिए, तो इस वीडियो में आपको पूरा बता दूंगा। तो आप देख सकते हो मैंने इमेज ड्रॉ किया हुआ है, इसमें हम सारी फंक्शनैलिटी सीखेंगे स्टार्टिंग से लेके एंड तक, कैसे मटेरियल लिफ्ट किया जाता है। सबसे पहले दोस्तों, आपको एक बात मैं कहना चाहता हूं कि सबसे पहले आपको क्रेन की फंक्शनैलिटी पता होनी चाहिए। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि क्रेन के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। अब आपको आउटरिगर नहीं पता, आपको बूम नहीं पता क्या होता है, आपको ये नहीं पता कि वे लेंथ क्या होता है, आपको ये नहीं पता कि काउंटर वेट क्या होता है, तो आप इस चेकलिस्ट को इस क्रेन के बारे में नहीं समझ पाओगे। लेकिन इस वीडियो में आपसे पूरा डिस्कस करूंगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस डायग्राम के थ्रू। तो सबसे पहले आप देखो, ये क्राउलर क्रेन है हमारा। अब मैं यहाँ पे 250 टन क्रेन की बात कर रहा हूँ। हो सकता है इंडस्ट्री में इससे हैवी हैवी इंडस्ट्री होती है, बहुत ही ज्यादा ऐसी है इंडस्ट्री होती है जहाँ पे 3, 4, 5 टेंडम ऑपरेशन लिफ्ट किया जाता है। कोई भी हैवी मटेरियल को लिफ्ट करना है तो एक क्रेन नहीं कर सकती, हमें मल्टीपल्स क्रेन का सपोर्ट लेना पड़ता है, राइट? तो इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले आप स्ट्रक्चर समझो। स्ट्रक्चर मतलब आपको ये देखना है क्राउलर क्रेन के पार्ट्स को पहले आप समझो, फिर मटेरियल को लिफ्ट करना तो बहुत इजी का है ना, बहुत ही सिंपल काम है। इसमें भी हम फैक्टर फाइंड आउट करेंगे हजार के। तो सबसे पहले आप देखो, ये मेरा क्रेन है, आपने देखा होगा क्राउलर क्रेन। पहले आप समझो क्राउलर क्रेन किसको बोलते हैं। एक तो क्रेन होता है जिसमें टायर लगा होता है, जिसको बोलते हैं टायर माउंटेड क्रेन, राइट? अब यहाँ पे सिर्फ मैं सिर्फ क्राउलर क्रेन की बात करूंगा। तो आपने देखा होगा नीचे चैन लगी होती है, धीरे धीरे चलता है क्राउलर क्रेन, इसलिए उसको क्राउलर क्रेन बोलते हैं। नाउ कम टू द पॉइंट, सबसे पहले आप देखो ये क्राउलर क्रेन है। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, दिख रहा है दिस इज द काउंटर वेट। अब ये बताओ ये 250 टन कैसे, इस क्रेन की कैपेसिटी, यहाँ पे काउंटर वेट लगा होता है, मतलब यहाँ पे इतना लोड दिया जाता है 1000 500 700, यहाँ पे काउंटर वेट होता तब तो ये मटेरियल लिफ्ट कर पा रहे, लिफ्ट करके हम शिफ्ट कर पा रहे हैं, ठीक है? तो ये काउंटर वेट हमारा। अब देखो यहाँ पे पूरा काउंटर वेट कैसे 360 में रोटेट कर जाता है, आपको पता होगा, आपने देखा होगा। अब सबसे पहले आपको चेक क्या करना है, पहले आप तो क्रेन का बेस लेवल देखो। अब सरफेस कहाँ पे खड़ा हुआ है क्रेन, हो सकता है कभी कभी आपने प्रोजेक्ट में देखा होगा या यूट्यूब के अंदर वीडियो देखा होगा, क्रेन टनल बना रहा है, कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, क्रेन टपल हो गई। क्यों? क्योंकि ये क्रेन लूज सॉइल पे, अब लूज सॉइल पे होगी तो ऑब्वियसली क्रेन टपल हो जाएगी, इसका वेट भी होगा ना, राइट? तो यहां पे आपको देखना है इंडस्ट्री के अंदर सबसे पहले सरफेस लेवल हमारा इक्वल होना चाहिए। मतलब मान के चलो, आप कभी कभी देखा होगा कि उबड़ खाबड़ होती है, एक जमीन उठी है, नीचे क्रेन खड़ी हुई है, मटेरियल लिफ्ट हो पाएगा, टपल होने की चांसेस ज्यादा है, राइट? तो एक्सीडेंट ऐसे ही होता है इंडस्ट्री के अंदर। तो ये हमारा काउंटर वेट है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा केबिन का ऑपरेटर, इसके साथ एक और ऑपरेटर बैठेगा जो सारा कुछ मॉनिटर करता है, कंपलसरी होता है इंडस्ट्री के अंदर। आप फैक्ट्री में हो या फिर कंस्ट्रक्शन साइट में हो, सारा कुछ आपको मेंटेन करना हो। अब देखो यहाँ पे टनलेबल, मतलब ये केबिन ऑपरेटर क्या करता है, बैठ के उसको 360 में रोटेट कर देता है। पॉसिबल है? पॉसिबल है। क्यों? एक मटेरियल को हमें स्विंग करना है, यहाँ पे लैंड करना है, इधर से उठा के स्विंग करना है, एक्स वाई जेड में लैंड करना है, तो ये हम बात करेंगे। अब समझो पहले काउंटर वेट। अब यहाँ पे ये सारा हमारा स्ट्रक्चर है बॉडी का, बूम स्टॉप यहाँ से होता है। ऐसे आप देखोगे कि बूम का जो हॉइस्ट होस्ट लाइन है, अब यहाँ पे कैसे वो मटेरियल लिफ्ट कर रहा है, सारी फंक्शनलिटी आप समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप देखो गैंट्री, एक गैंट्री वर्ड समझ लो, गैंट्री क्या होता है, आपने देखा होगा इंडस्ट्री के अंदर छोटे छोटे जहाँ पे टर्बाइन एरिया होगा छोटा सा, जैसे मुझे मोटर की लिफ्टिंग करनी है, शिफ्टिंग करनी है, वहां पे आप ईओटी क्रेन नहीं जा पाएगा, वहां पे हाइड्रा नहीं जा पाएगा, राइट? तो वहां पे हम छोटा सा मोनोरेल क्रेन बोलते हैं, गैंट्री क्रेन, या फिर गैंट्री क्रेन आपने देखा फैब्रिकेशन यार्ड पे बड़ी सी क्रेन रहती है, गैंट्री मतलब ट्रैक में चलती है, राइट? तो ऐसे ही हमारे यहाँ पे एक ट्रैक होता है जिसको अप एंड डाउन करता है, दिस इज द गैंट्री। अब यहाँ पे एक आउट बेल होता है, एक इन बेल होता है। आउट बेल मतलब कैसे, कोई भी मटेरियल हम लिफ्ट कर रहे हैं, राइट, डाउन आप कैसे जा रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ आउट रेल, ठीक है? एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, इसका आप देख सकते हो, उसमें सारा कुछ मेंशन है। यहाँ पे अगर नहीं दिख रहा होगा आप इसकी फंक्शनलिटी समझो। नाउ कम टू द पॉइंट, बैक हिच। बैक हिच मतलब क्या, जब आप इसको अप कर रहे हो, डाउन कर रहे हो, तो सारा हमारा वायर रोप और पुल्ली से कनेक्ट रहता है। अब यहाँ पे आप देखो बूम
पेंडेंट, अब बूम का पेंडेंट, अब जब बूम नीचे आएगा ऊपर आएगा उसके लिए सपोर्ट के लिए कुछ चाहिए, पेंडेंट यहाँ पे लगा होता है। इसी तरह मैं आप लोग डिफ्लेक्टर कैसे डिफ्लेक्ट करता है क्रेन को, ठीक है, क्रेन कैसे जा रहा, पूरा सपोर्ट हमारा डिफ्लेक्टर पे होता है। इसी तरह बैक पेंडेंट की बात करूं तो ये भी हमारा इस एरिया पे होगा, देखा होगा आपने क्रेन को, उसके ऊपर जाओगे जब क्रेन का मेंटेनेंस होता है वंस इन अ मंथ, ठीक है, तो क्रेन आपकी नीचे लैंड रहती है, तो आप उस टाइम पे जाके इन्वेस्टिगेशन करो और देखो वहां पे कौन कौन से इक्विपमेंट होते हैं, एक तरीका ये है। दूसरा आप चेकलिस्ट फॉलो करो, उसमें सारा कुछ आपको मेंशन मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे आगे चलो, जिप, यहाँ पे एक जिप लगा होता है, ठीक है, जो इसको मेंटेन करता है। नाउ कम टू द पॉइंट, यहाँ पे ऑक्सिलरी होस्ट लाइन, अब होस्ट लाइन मतलब ये मान के चलो आपका बूम है, हर क्रेन में आपने देखा होगा गैंट्री क्रेन हो, राइट, कहीं पे भी आपने मान के चलो ये 50 टन कैपेसिटी मैंने लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे ओवरऑल बॉल, ये बॉक्स जो है स्पॉर्स जियर बोलते हैं इसको, नाउ दिस इज द हुक, अभी आप देख सकते हो हुक है, ये हमारा हुक लैच है। अब हुक लैच क्या होता है आपको पता होना चाहिए, राइट, कि मटेरियल नीचे ना गिर पाए, और यहाँ पे हुक है, ये स्ट्रक्चर है हमारा। अब यहाँ पे एक बात आपको समझनी होगी कि क्रेन जब यहाँ से लिफ्ट कर रहा है तो सबसे पहले आपको क्रेन का फैक्टर देखना है, सेफ्टी फैक्टर, सरफेस लेवल पर है कि नहीं, ऑपरेटर ट्रेंड है कि नहीं, सारा चेकलिस्ट में मेंशन होगा, इसके साथ केबिन में बैठा है कि नहीं एक बंदा देखने के लिए, इसके पास लाइसेंस है कि नहीं, इसमें TPI है कि नहीं, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन, ठीक है, सारा कुछ आपको चेक करना है। आप इंस्पेक्शन जब आप करने जाओगे तो वो तो आप नीचे लैंड नहीं करोगे, सारा कुछ चेकलिस्ट पे मेंशन होता है TPI के अंदर, राइट, फायर एक्सटिंग्विशर, इसकी फिजिकल कंडीशन, डीजल, केबिन, जितना कुछ भी होता है सारा आपने चेक कर लिया, नंबर वन थिंग्स। उसके बाद आपने देख लिया कहीं पे कुछ वायर कट तो नहीं है, आपने देख लिया नहीं है, देन आपने अलाउ किया। इसके बाद जब कोई मटेरियल लिफ्ट होता है उसमें हम हीरा बनाते हैं, जिसको बोलते हैं हजार्ड आइडेंटिफिकेशन रिस्क असेसमेंट। हीरा क्यों जरूरी होता है, मान के चलो इस बीच में, मान के चलो इस मटेरियल को लिफ्ट करके वहां पे रखना है, इसका आप लिफ्टिंग प्लान बनाओगे, देखोगे यस लिफ्टिंग प्लान सारा कुछ मेंशन होगा, हम इधर से इस मटेरियल को लिफ्ट करेंगे, मान के चलो ये 100 टन का मटेरियल है, इसको लिफ्ट करके मुझे यहाँ पे लैंड करना है, तो आपने लिफ्टिंग प्लान देखा, ठीक है, सारा कुछ मेंशन होता है हीरा के अंदर। अब GSA यहाँ पे काम नहीं आएगा, ठीक है, जॉब सेफ्टी एनालिसिस, आप इंडिविजुअल कोई पर्सनल टास्क देख रहे हो उसके लिए आप काम करो, ठीक है। यहाँ पे हीरा आपने देख लिया, सारा कुछ मेंशन है, हजार की पॉसिबिलिटी क्या क्या सब कुछ मेंशन है हीरा के अंदर, मैं बताने नहीं जाऊंगा। आप ये समझिए इस मटेरियल को जब कोई लिफ्ट कर रहा है तो एक सेफ्टी ऑफिसर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपको पता चल गया कि आपके वर्क साइट पे मटेरियल लिफ्ट होना, आप यहाँ पे गए, सबसे पहले आपने चेक किया इस केबिन क्रू में क्या क्या सारा कुछ यहाँ पे ओके हुआ, ठीक है, आप ये तभी चेक कर पाओगे जब आपके पास चेकलिस्ट होगा। चेकलिस्ट कंपलसरी नहीं है तो मैं आपको चेकलिस्ट दे दूंगा, राइट। चेकलिस्ट में सारा पॉइंट आपने चेक किया, हीरा आपने देखा, लिफ्टिंग प्लान देखा कि लिफ्टिंग इस मटेरियल को यहाँ से लिफ्ट करना है, यहाँ से लिफ्ट होके यहाँ पे हमें स्विंग करना है, कितने डिग्री पे स्विंग करेगा, ऐसे स्विंग करके यहाँ पे लैंड कर देना। अब यहाँ पे सुरक्षा कैसे देखनी, सेफ्टी कैसे फॉलो करनी है, क्रेन ऑपरेटर क्या मटेरियल को देखेगा, नहीं भाई, यहाँ पे फोरमैन रहता है जिसको बोलते हैं रीगर, ठीक है, हर इंडस्ट्री में होता है। एक लाइव एग्जांपल देता हूँ, जब मैं स्टार्टिंग में इंडस्ट्री को ज्वाइन किया था तो एक फोरमैन था जो ऐसे ऐसे सिग्नल दे रहा था, मैसेज कर रहा था, क्रेन ऑपरेटर उसको देख रहा था, मैंने बोला वाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो, बोला सर मैं फोरमैन हूँ, मैं मैसेज दे रहा हूँ, तो ठीक है, तो काम इसका फोरमैन मैसेज देखना है कि लिफ्टिंग कैसे करना है सारा कुछ। अब यहाँ पे एक वर्कर है, ये गाइड रोप बांधा हुआ है, इसमें गाइड रोप की मिनिमम डिस्टेंस कितनी होती है 3 मीटर, राइट, ये पता होना चाहिए। वर्कर ने क्या किया, फोरमैन जिसको बोलते हैं, ये गोर, इसने क्या किया, वो मटेरियल को बांधा हुआ है, जब ये मटेरियल लिफ्ट होगा तो मटेरियल स्विंग ना करे, इसको सपोर्ट दे रहा है किससे, गाइड रोप से, जब ये धीरे धीरे मटेरियल लिफ्ट होगा, अब इसको इस एंगल पे सारा फोकस इसका मटेरियल पे नहीं होगा, इसका फोकस होगा इस पे और मटेरियल को ये देखेगा, राइट। अब हो सकता है इसके नीचे कोई नीचे आ गया तो पूरा आपको बैरिकेड करना है, ये कंपलसरी है, राइट। अब फोरमैन सिग्नल कर रहा है, आपको स्विंग करना है, आगे लेके जाना है, जो सिग्नल होते हैं वो भी मैं बता दूंगा फोरमैन की, ठीक है, एक रिगर जो होता है हमारा, ठीक है, उस जो सिग्नल मैन जिसको बोलते हैं वो सारा कुछ मेंशन होता है, उसके बेस पे काम करेगा। ये फोरमैन सिग्नल दे रहा है किसको, इस ऑपरेटर को, और ये फोरमैन एक फोरमैन और होगा क्योंकि इस मटेरियल को हमको यहाँ पे लैंड करना है, ठीक है, तो ये फोरमैन इससे बात करेगा, बात नहीं करेगा फोन पे, वॉकी टॉकी, कहीं कहीं पे वॉकी टॉकी का भी यूज होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप देख रहे हो उसके हैंड को, तो यहाँ से सिग्नल मेंशन हो जाएगा, ठीक है। ये ऑपरेटर देख रहा है कि उसको यहाँ पे,
ये सिग्नल दे रहा है इस मटेरियल को, आपको लिफ्ट करना है, लिफ्ट करना है, लिफ्ट करना है, मतलब लिफ्ट करना है, उसके बाद स्टॉप, देन वो आपको बताएगा आप इसको लेके जाओगे यहाँ पे स्विंग करना है, यहाँ पे दो वर्कर, तीन वर्कर, चार वर्कर खड़े होंगे इस मटेरियल को लैंड कर, जैसे ही मटेरियल लैंड होगा दे इसको बोल्टिंग कर देंगे, देन वेल्डिंग वेल्डिंग जो भी होगा सब कर देंगे। तो यहाँ पे भी आपको सेफ्टी देखनी होगी, क्या वर्कर फुल बॉडी सेफ्टी हार्नेस पहने हैं कि नहीं पहने, राइट। ऐसा एक्सीडेंट तभी होता है जब कहीं ना कहीं हम मिस हैपनिंग कर देते हैं, हम चेक नहीं करते, गलती किसकी होती है, सेफ्टी ऑफिसर की, ठीक है। सारा कुछ हीरा के अंदर मेंशन होता है, आपको देखना है। तो मटेरियल यहाँ से लिफ्ट किया गया, अब देखो मटेरियल लिफ्ट हो रहा है, 100 टन का मटेरियल, इसके नीचे कोई नहीं आएगा, फोरमैन सिग्नल दे रहा है, इस फोरमैन को ये देखना है, जैसे मटेरियल यहाँ से लिफ्ट होके धीरे धीरे जब शिफ्ट किया जाएगा यहाँ पे, मान के चलो ये मटेरियल हमारा यहाँ पे आ गया, अब एकदम से तो लैंड नहीं कर देगा, तो ये फोरमैन सिग्नल देगा इस फोरमैन को कि मटेरियल को धीरे धीरे डाउन करना है। हो सकता है अलाइनमेंट ना मिल रहा हो, तो वो फोरमैन बोलेगा थोड़ा सा ट्विस्ट करने का, तो ये मैसेज देगा इसको और ये मैसेज करेगा ट्विस्ट करने का, वो मटेरियल अपने आप ट्विस्ट होगा। तो ऐसे मटेरियल को लिफ्ट किया जाता है और शिफ्ट किया जाता है इंडस्ट्री में। आप देखो, देखने देखा होगा, हैवी इंडस्ट्री, थर्मल इंडस्ट्री की बात करूं, बॉयलर के रूफ के ऊपर 100 मीटर के ऊपर कोई मटेरियल हमें रखना है, कैसे रखोगे? या तो आपके पास हैवी मटेरियल है तो आपका टावर क्रेन नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं क्राउलर क्रेन का। हो सकता है ये मटेरियल बहुत ज्यादा हैवी हो, एक क्रेन से नहीं होगा तो एक क्रेन दूसरा अपोजिट में होगा, सेम दोनों मटेरियल को लिफ्ट किया जाएगा, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं टेंडम ऑपरेशन। तो ऐसे हम सारा कुछ देखते हैं एज अ सेफ्टी प्रोफेशनल, राइट। तो यहाँ पे आप स्ट्रक्चर को आप समझ सकते हैं, इस डायग्राम के थ्रू आप सारा कुछ समझ सकते हो कि क्रेन कैसे लिफ्ट होता है। बेसिक आपका स्टार्ट होगा यहाँ से, आप साइड पे विजिट करो, क्रेन अनबैलेंस है, टिल्ट खड़ा, स्टॉप कर दो काम को। क्यों स्टॉप कर दो? क्योंकि ये अनसेफ कंडीशन में खड़ा हुआ, कल कोई एक्सीडेंट होता है, टपल होता है, हु विल रिस्पॉन्सिबल? सेफ्टी ऑफिसर, राइट। तो ये सारा सारा कुछ आपको देखना है, हीरा इज मस्ट, लिफ्टिंग प्लाजा इज मस्ट, ठीक है। तो जब भी आप अपने वर्क साइट पे जा रहे हो तो एज अ सेफ्टी प्रोफेशनल आपको खड़े रहना वहां पे, ठीक है, जब तक आपको लगता नहीं है। अब यहाँ पे देखो मटेरियल लिफ्ट हो रहा है तो यहाँ पे वायर और सीलिंग भी चेक करनी ना, मान के चलो ये 100 टन का मटेरियल है, अब यहाँ पे आपने 80 टन का इक्विपमेंट लगाया है, हो सकता है ये सिंथेटिक वेब सीलिंग हो, वायर रोप सीलिंग हो, यहाँ पे आपने साइड साइड में डिसेकल लगाया हुआ, राइट, साइड में और आपने वायर रोप लगाया हुआ, तो ये भी आपको देखना है अप्लायंस। तो एक प्रोफेशनल जो सेफ्टी ऑफिसर होता है उसके अंदर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, राइट। तो ये था दोस्तों क्राउलर क्रेन। सो अब इंडस्ट्री में कोई भी क्रेन हो, टायर माउंटेड क्रेन हो, हाइड्रा हो, सारी फंक्शनलिटी ऐसे काम करती है, बस आपको पता होना चाहिए, चेकलिस्ट आप फॉलो करिए, चेकलिस्ट के बेस से आप नॉलेज को गेन कर सकते हैं, यही एक तरीका है। चेकलिस्ट देखिए और फिजिकली जाके प्रेजेंट होइए, कि मैंने अगर बताया कि जिप गेंट्री क्या होती है तो आप वहां पे जाके देखो उसको, इसके अंदर फंक्शनलिटी क्या होती है, सारे कुछ आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, राइट। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा, तो आज के लिए इतना ही रखता हूँ और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आज के लिए थैंक यू एंड बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।